Go Eid Mubarak. सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसन और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का डे है। मैं अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, 8 बज गए हैं और एक कुर्ता पहना हुआ है। अभी नमाज हुई है और यार आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। होप करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, तो इसको इंजॉय करना, लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी ईद की नमाज भी पढ़ ली है और बाहर जो है काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। मैं जो है काइट्स वो ले आए हैं, 2-3 उनको हम उड़ाएंगे, लेकिन अभी जो है थोड़ा मौसम ठीक हो जाए क्योंकि हवा तेज़ चलने लग गई है। तो अभी मैं ईद की नमाज भी पढ़ आया हूँ। मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, टी शर्ट पहन ली है और ये मेरी पैंट्स हैं, ये टी शर्ट और मैंने पैंट्स जो हैं पहन ली हैं। और बाहर यार बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, ईद वाले दिन इतना अच्छा मौसम हो गया। और रोज़ों में पता ही होगा आपको, रोज़ों में इतनी गर्मी है, वो देखें वहाँ पर एक काइट चढ़ रही है। और यार सबको मेरे दिल से ईद मुबारक। और अभी हम काइट उड़ाएंगे, ठीक है। तो यार अभी दोस्तों उड़ाने की कोशिश ये 2 दफ़ा उड़ी है, लेकिन फिर हवा तेज़ है, कभी इस डायरेक्शन की हो जाती है, कभी सामने वाली डायरेक्शन की हो जाती है, फिर वो कभी इधर जाता है, उधर जाता है, थोड़ा फट भी गया है। तो अभी इतना तो अच्छा नहीं उड़ा, हवा बड़ी तेज़ है, ये है मेरे पास। तो अभी वहाँ पर और भी लोग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उड़ ही नहीं गया उनसे, लेकिन मैंने उड़ाया था। लेकिन अभी हवा इस डायरेक्शन की होती है, कभी इस डायरेक्शन की होती है, फिर उड़ाना ही नहीं हो रहा वो। तो अभी मैं ये ट्राइपॉड यहाँ पर रखता हूँ और आप लोग देखें। जब कैमरा ऑन नहीं था तो उड़ी थी, जब कैमरा ऑन है तो उड़ नहीं रही। अभी जब उड़ेगी तब भी आपको दिखाऊंगा। हमने बस कर दिया उड़ाना, मेरे साथ मेरा कर देना चल। अब हम नीचे जा रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। गो ईद मुबारक बोला। बोल ईद मुबारक। तो दोस्तों यार अभी जो है तकरीबन 3:07 हो चुके हैं और मैं बीच में थोड़ी देर सोया भी रहा था। और अब हम सही मौसम हो गया है, तो अब जो है हम काइट उड़ाएंगे। अभी नीचे मेरे कजन्स आए हैं, 2 कजन्स जो पहले आपको दिखाए हैं, और बस वही आए हुए हैं। उनके साथ थोड़ा बहुत मैं सोया हुआ था तो इधर ही उधर खेल रहे थे। तो अब हम उड़ाएंगे काइट और इसमें बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों अभी काइट उड़ाई है, काफ़ी मज़ा आया। और अभी इसी तरह से ईद का डे जा रहा, काइट उड़ा रहा था, खाना वगैरह खाया और इधर ही घूम वगैरह नहीं है, बस ऐसा ही ईद का दिन गुजरता है हमारा।
मौसम जरा आप चेक करें, ये सीन्स चेक करें, बस आप सीन्स चेक करें। इतना कर खूबसूरत मौसम है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सही मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। ईद के दिन रोजों में इतनी गर्मी थी, तो अभी ईद वाले दिन इतनी ठंडी हवा चल रही है, बाहर हल्की 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 बारिश होने लग गई है। तो मैंने सोचा ये जो है मैं अपना काइट अंदर कर लूँ, तो अभी मैं ये छोटे को उड़ाऊंगा, पहले मैं ये बड़ा उड़ा रहा था, अब इसको छोटे को उड़ाने की कोशिश करते हैं। ये वैसे शहीद काफी हो गया, बारिश भी हो रही है, लेकिन है यार ये चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो मौसम यार बहुत अच्छा हो गया, अभी बाहर मौसम जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारा है। और मैंने सोचा क्यों ना टॉप छत पे जाया जाए, बारिश हो रही है, हल्की हल्की कतरे गिर रहे हैं। मैंने कुछ ऊपर वाली छत पे जाकर शॉर्ट्स लिए हैं, वो आप देखोगे अगर कैसे हैं वो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लगे आपको वो शॉर्ट्स, क्योंकि मौसम काफी अच्छा है, मैंने सोचा क्यों ना ले लिए जाए शॉर्ट्स। सो दोस्तों यहाँ पे व्लॉग खत्म हो गया और अभी टाइम हो गया है जी 10:30, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी व्लॉग को एडिट करके अपलोड कर दूंगा, साथ साथ मैं सारा एडिट करता गया था। और मुझे आप सब बताना कि आप लोगों को जो है कितनी ईदी मिली है, कमेंट सेक्शन में बताना कि कितनी आप लोगों सबको जो है ईदी मिली है, और मुझे ये ईदी मिली है, ठीक है। तो अगले डे में मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पाकिस्तान जिंदाबाद, पीस आउट।